रमजान हमारा वेलकम बैक नाजरीन। ये अभी आपने छोटा सा एक पैकेज देखा, ये एक स्कूल है जिसका नाम है स्ट्रीट टू स्कूल, और ये उन बच्चों के लिए है जो स्ट्रीट पर होते हैं, जो कचरा चुन रहे होते हैं या जो और दीगर इस तरह की एक्टिविटी में होते हैं, उन बच्चों को स्कूल में लाया जाता है और उनको जो है वो तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाता है। और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो स्कूल जो चलाने वाले लोग हैं, ये कोई बड़े लोग नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं, खुद भी स्टूडेंट हैं और खुद भी जो है कहीं जॉब करते हैं, यूथ ही है, ये हमारे नौजवान हैं और अपनी पॉकेट मनी से, अपनी कंट्रीब्यूशन से इस स्कूल को रन कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त स्ट्रीट टू स्कूल के दो रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, मोहम्मद हसन घुगारी, अस्सलाम वालेकुम जी, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद आबिद मिठानी जी, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों हैं और जाहिर है आप जैसे और बहुत सारे नौजवान होंगे जो इस स्कूल, जरा बताइएगा इसका आपको आइडिया कैसे आया और इसमें इस वक्त कितने स्टूडेंट हैं, फंडिंग कैसे करते हैं आप? अच्छा, ये जो हमारा आइडिया था, बेसिकली हम जैसे मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमारी कम्युनिटी में स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है, ठीक है, ये है जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी और जो स्ट्रीट चिल्ड्रन कम्युनिटी है, इनके पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, बिल्कुल, जिसके बिना पे वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, तो हमने कहा कि हम इनका सहारा बनते हैं और हम सब यूथ ही हैं जो हम अपनी सेविंग से हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ जॉब करते हैं, हम ये वो तमाम चीजें करते हैं। इसके बाद हमारे पास हम बच्चों को प्री स्कूलिंग सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके अंदर हम 2.5 साल से 6 साल तक का बच्चा अपने पास लेते हैं, उसको प्रॉपर तैयार करके हम उसको गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में इनरोल करवा देते हैं। अच्छा, तमाम हम अपने खर्चे पे प्राइवेट स्कूल्स। अच्छा, ये बताएं कि जब वो स्कूल प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसके बाद वो का खर्चा जो है वो कौन उठा रहा होगा? जैसे प्राइवेट स्कूल्स में जितना बच्चा माना जा रहा है, तकरीबन 200 बच्चा मैं भेज चुका हूँ, सब खर्चा मैं हम लोग देख रहे हैं। माशाल्लाह हम देखें, हमारे जो सपोर्टर्स हैं उनके थ्रू कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड होती है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जो है स्पॉन्सर करते हैं तो ये अप टू मैट्रिक लेवल, आप मैट्रिक लेवल तक, और आप बच्चों को क्या फर्स्ट क्लास तक आप लोग अपने पास पढ़ाते हैं? हम किंडरगार्टन तक, केजी क्लास तक हम पढ़ा रहे हैं, प्री स्कूल तक, प्री स्कूलिंग। इसके अलावा हमारे एक और एडोलसेंस का भी हमारे क्लासेस होती हैं, जिसमें 9 साल से 16 साल तक का बच्चा है जो कभी स्कूल ना जा सका, उसको हम बेसिक प्राइमरी क्लास तक करवा रहे हैं, आगे बढ़ सके। गुड, जबरदस्त। मतलब मैं ये सोची थी कि हमारे नौजवानों को हम बड़े तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आजकल नौजवान क्या कर रहा है, तो मैं कहती हूँ कि जरा गौर से देखिए कि आज का नौजवान क्या कर रहा है, कि आने वाली नस्ल को तैयार कर रहा है, है शहरयार भाई? इसका पहला खतरा बनने की जरूरत है, हर एक ये कहे जी हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें काम करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। अगर हम काम नहीं कर रहे, पहला स्टेप हम फॉरवर्ड नहीं कर रहे, स्टेप नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ बातें ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सैल्यूट टू देम के माशाल्लाह ये नौजवान लोग इतना आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इंशाल्लाह अजीज, इसी किस्म के जब लोग आगे बढ़कर इलिटरेसी को कम करेंगे तो इंशाल्लाह अजीज बहुत फ़ायदा होगा। और साथ ही इनके हौसले बहुत बुलंद हैं कि मंजिल के लिए दो गांव चले और मंजिल सामने आ जाए, सामने तो अल्लाह इनको हर मोड़ पर कामयाब करे। तबीयत का भी बहुत बड़ा सर। कितने आपके पास कितने स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में? हमारे पास अभी स्कूल में 130 बच्चा हमारे पास जेर तालीम है और 200 बच्चा हमारे स्कूलों में जा रहा है। सुभान अल्लाह, 130 को जेर तालीम में 200 आपने स्कूल में रजिस्टर करवा चुके हैं। अच्छा, उनका फिर फॉलो अप भी आप रखते हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस है, उनकी रिजल्ट क्या उनका आ रहा है, किस तरह फॉलो अप करते हैं? हाँ जी, हम प्रॉपर फॉलो अप करते हैं। जैसे स्कूल से हमारे शिकायत आती है कि बच्चा 5 दिन से नहीं आ रहा, हम डायरेक्ट घर पहुँचते हैं, करते हैं आज तक क्या मसला है, अगर उसको कुछ हेल्थ का मसला है, उनके पास पैसे नहीं है, तो हम इनको ओपीडी के लिए तमाम चीजों के लिए भेजते भी हैं। अच्छा, कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम। अच्छा, मतलब उनको फिर ओपीडी वगैरह भी आप सपोर्ट करते हैं, तो आप टोटल कितने अफराद हैं? ये आप जो लोग वॉलंटियर कर रहे हैं अपनी सर्विसेज, हम बेसिक तीन हैं, मैं, आबिद और एक और जीनत होती हैं, हम तीन चीजों को देख रहे हैं फिलहाल। सुभान अल्लाह,
इन तीन में अगर इतनी हिम्मत है तो मेरा ख्याल है ये तीन से जब छह होंगे तो माशाल्लाह से मेरा ख्याल काफला बनता चला जाए। स्कूल कहाँ पर है बेटा आपका? ये गरीबाबाद में है, फेडरल बीरिया के अंदर। फेडरल बीरिया, गरीबाबाद में फेडरल बीरिया। तो ये कोई भी बच्चा जो है वो आपके स्कूल में रजिस्टर हो सकता है? जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और आपके करीब में कहीं रहते हैं तो वो आपके स्कूल में अप्रोच कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। हम वेलकम करते हैं उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम क्वालिटी प्री स्कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एज एन एनजीओ एक होता है कि नहीं, लेकिन हम क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करते हैं। कोई भी बच्चा आगे पढ़े वो आगे जरूर आगे जाएगा इंशाल्लाह। मतलब हम जो हमने जो एजुकेशन हासिल की है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दी है, तो हमारा जो एक ड्रीम है कि हम वही चीज़ जो हमने किया है वही हम आगे बच्चों को दें। ऐसा नहीं कि जो हमने पढ़ा है तो हम वो उससे नीचे लेवल के, इस तरह से दिल नहीं मानता। दिल नहीं मानता, बड़ी बात है। जो बात, बात भी यही है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए पसंद करो, तो तब तो तोहफा देने का मजा भी है, वरना तो फिर तो इसमें आपके इस स्कूल में जो टीचर्स हैं वो आपके टीचर्स सारे पेड हैं या वो भी वॉलंटियरली सर्विसेज दे रहे हैं टीचर्स आपके? नहीं, वो तमाम चीजें पेड है, पेड़ है, लेकिन हम इतना नहीं कर सकते, लेकिन वो इनका वॉलंटियर पार्ट भी आ जाता है। ऑफ कोर्स उनको भी मालूम है कि हम किस तरह से तकोदो करते हैं चीजें चलाने के लिए, लेकिन पेड़ है, लेकिन उतना उस लेवल पे नहीं कर सकते। तकरीबन कोई कितना खर्चा आ जाता होगा अगर आप इसको देखें, तखमीना निकालें सालाना मंथली आपका कितना है? मंथली हमारा, अगर हमारे अपने सेंटर की बात की जाए तो इसमें 150 तक यूज होता है। और जो बच्चे माशाल्लाह से प्राइवेटली पढ़ रहे हैं फिर उनकी फीसें भी हैं, फिर क्वार्टरली उनकी फीसें जा रही होती है, उनका जो है हमने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि उन्हें स्कूल से ना डोनर्स मिल जाते हैं, तो वो लोग खुद ही देख रहे होते हैं। अच्छा। हमारे काम बच्चों को भेज दिया, हम फॉलोअप ले रहे होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उनका इंशाल्लाह। मतलब आपको इजीली डोनर मिल जाते हैं, आप खुद अप्रोच करते होंगे ना कि जी ये बच्चा है और अभी ये स्कूल जाने के लिए, तो आप उसको जो है अडॉप्ट कर लें, तो बच्चों को शायद वो अडॉप्ट कर लेते होंगे। असल में नहीं, असल में जो हमारे बच्चे जहाँ जा रहे हैं वो ना मेमन कम्युनिटी के स्कूल ही है, तो वहाँ से कोई रास्ता बन जाता है। मेरा ख्याल मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन इसके लिए भी है कि अगर किसी ने किसी को पढ़ना और किसी बच्चे को अगर इल्म दे दिया है तो उसकी बड़ी फजीलत है। तालीम का इससे बड़ा अंदाजा यानी आप क्या लगाएंगे कि जब गज़वे बदर के बाद पकड़े गए कुछ कुफार कैदी हो गए, तो उन्होंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि आप हमसे फिदिया ले दें और हमें रिहा कर दें। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम क्या फिदिया दे दो? उन्होंने कहा हम बहुत मालो असबाब दे सकते हैं। कहा नहीं, तुम्हें तो लिखना और पढ़ना कौन जानता है? तो उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि हम जानते हैं। कहा ठीक है, मुसलमानों के 10-10 बच्चों को फी आदमी 10-10 बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दे तुम आजाद। तो इससे अंदाजा लगाएं कि तालीम का किस कदर अहमियत है इस्लाम में, कि इससे कुफार को भी फायदा हो गया बेशक कि वो आजाद हो गए और इस हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। सही, यानी कि एक को तालीम देना आप नेकियां भी साथ साथ समेटते चले। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बेटा आप लोग। मगर ये बताइएगा कि हमारे इस टीवी के तवस्सुत से आप लोग बात कर रहे हैं इस वक्त, क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं? कोई ऐसे मसाइल हैं, कोई डिफिकल्टीज हैं, कोई एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट है उनके साथ आपकी कोई जो भी है आप अगर शेयर करना चाहें? डिफिकल्टीज तो बहुत सारी कम्युनिटी के अंदर भी होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग अवामिल तो आ ही जाते हैं, देखते हैं कि कोई अच्छा काम हो रहा है रोकने के लिए आते हैं, उन चीज़ों को हम रोज़ फेस कर रहे होते हैं। अच्छा। चीज़ें पार करते रहते हैं। फिर दूसरा यही है कि हम सब यूथ ही, हम सब का अपना करियर कमिटमेंट्स भी होती हैं, तो फंड रेजिंग में बहुत हमें इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा तो अगर कोई आप लोगों को फंड करना चाहे तो वो उसका क्या तरीका होता है? इसके लिए हमारे पास एक बेस्ट पॉलिसी है कि बंदा हमारे सेंटर पहले विजिट करे, सेटिस्फाई हो जाए हम क्या करें, हमारे तमाम सर्विसेज से, देन वो हमें फंड करे, हमारे प्रॉपर बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर करें। इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मतलब कि चैरिटी स्कूल्स के में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमने इस दफ़ा ये स्टार्ट किया कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपरली हमने लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन तमाम डोनर्स को दी जा रही है। जो भी बच्चा वो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो थ्रू आउट द ईयर वो इसकी तमाम रिपोर्ट्स ले सकता है, बच्चा एब्सेंट है वो देख सकता है अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर देख सकता है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन है, पॉपअप नोटिफिकेशन आती है, उस तरह से आएगा। बहुत 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 अच्छा जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आपके इस काम में आपकी हिम्मत और हौसला अफजाई करे और अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे और हिदायत दे। और लोग जो यहाँ सुन रहे हैं और जो डोनर हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं स्पॉन्सर, अल्लाह ताला उनके भी अजर उसमें मंजिलत में इजाफा करे, अजर दे। और मजीद जो लोग हैं जो इनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं वो इनसे राबता कर सकते हैं इनके स्कूल को विजिट करके। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और लोग होंगे,
اور گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرا اصل میں مائک بند ہو گیا تھا, اس وجہ سے میں نے یہ ہینڈ مائک جو ہے لیا ہوا ہے, چونکہ شاید ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ زبیر صاحب کو اچانک کیا ہوا ہے. تو لائیو شوز کی میرا خیال خوبصورتی یہی ہوتی ہے, یہ حسن ہوتا ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رمضان ہمارا